हसनापुर की मेरे सामने कोई सीमा पार करेला और मेरी आत्मा घायल है तू व्यवहार करेला और मेरी आत्मा घायल है तू व्यवहार करेला हसनापुर जी मेरे सामने कोई सीमा पार करेला और मेरी आत्मा घायल है तू व्यवहार करेला और मेरी आत्मा घायल है तू व्यवहार करेला और पहली बात में बाबा भीमसेन जी को कैसे बताया ओ हसनापुर का लहू हिमाती हसनापुर का लहू हिमाती है प्रतिज्ञा मेरी और जीते जी इस सीमा पे कोई पाँव धरे न बैरी हो जीते जी इस सीमा पे कोई पाँव धरे न बैरी सत्यवती को वचन दिया था आज बात दुख मेरी मुझे रे पांडो प्राणो से प्यारे परियों करूं मैं तेरी मुझे पांडो प्राणो से प्यारे परियों करूं मैं तेरी और कसर कौन सी रहरी रयो कसर कौन सी रहरी रे तू जिद बेकार करे ना हर मेरी आत्मा घायल है तू फिर व्यवहार करे ना हर मेरी आत्मा घायल है तू और बता दिया ऐसे वीर घर घर में तेरे धवल की मने वीरता देखी मैं राजनगर में और तेरे धवल की मने वीरता देखी मैं राजनगर में और भारत ने मारा था बाण भाई अर्जुन ने मारा था बाण भाई धुंधी उठी अंबर में अरे पांडव ने हीने समझे ना ऐसे भी समरे में हो पांडो नहीं समझे ना ऐसे भी समरे में मन देख लिया दुनिया भर में मन देख लिया दुनिया भर में अर्जुन सी मार करे ना हर मेरी आत्मा घायल है तू फिर व्यवहार करे ना हो मेरी आत्मा घायल है तू फिर व्यवहार करे मतना बोले खोटी बाई मतना बोले मेरे नहीं समाई कल ऐसा युद्ध करूं रण में मांगे धन दुहाई कल ऐसा युद्ध करूं रण में मांगे धन दुहाई मत पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसी करूं लड़ाई और भंग प्रतिज्ञा हो जावे थावे हथियार कन्हाई हो प्रतिज्ञा हो जावे थावे हथियार कन्हाई मन फिर के कसम उठाई रे मन फिर के कसम उठाई रे मेरी कोई हार कर लेना हर मेरी आत्मा घायल है तू फिर व्यवहार कर लेना हर मेरी आत्मा घायल है तू फिर व्यवहार करे
पर और क्षमाशीलता यो छतरी का कहना, संतोष सबर और क्षमाशीलता यो छतरी का कहना। और जिसका पाप उसी के आगे हर मानस को तहना, और तू हर वीर रहे दानव के सदा नहीं यहाँ रहना। गंदी धार कहना हर मेरी याद